प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम व जिला प्रशासन प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई का क्रम जारी है। रविवार को अवकाश का दिन होने के बाद भी जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने दीवानी कचहरी चौक, आजाद नगर सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पॉलीथीन को जब्त किया तथा आधा दर्जन लोगों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला। इस दौरान एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा सहित अन्य अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुर्णी से बात करते हुए एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव ने बताया। ये सब पैक करके रखा था बस में, ले रखा है पीछे वाले सब पैक शहर में बंद हो रहा है। क्यों नहीं मान रहा? देखो कान से पन्ने निकाल रहे हैं, सामने देख पन्ने निकल रहे हैं, एक बार सामने देख रहा है इसका कुछ नहीं, लोग मन बन रहा है उसके बाद इतना अखबारों में निकला, इतने छापे पड़ रहे हैं, पूरे गोरखपुर जनता को, गोरखपुर की जनता को पता लग गया, रेडियो पर हम लोग बोल रहे हैं। अभी तक आपको पता नहीं लगा कि पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करता? अब नहीं, अब पकड़े गए तब नहीं, फिर करोगे तुम कर, फिर करोगे अड़चन लगाई। अच्छा आप लोगों को खबर हो गई इतनी जल्दी? अच्छा इलेक्शन में मदद पहले यहाँ अड़चन काटो, अड़चन एंड इसका है फेंकोगे तो रसीद काटो। अपना नाम बता दो, फेंक रहा उधर खबर ये मतलब दुकाने सब आवाज है सर, ये किसी को कराया जाते हैं किसी को बोल रही है? अंदर भी लगी हुई दुकानें, वो अंदर क्या है? दुकानें सब सब्जी लगा देते हैं, पूरी गंदगी करते हैं सर। हम कई बार आता है। लक्ष्मी तुम्हारा कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है? अभी तुम जो लेने आए उससे कहो, हाँ जो लेने आए उसके पैसा लो, इसका निकल बंद हो तुम। क्या हुआ है में सर? नहीं रहे नहीं। ये गंदगी जो फैला हुई है कहाँ जला के? ये क्या है? ये नीचे ये हमारा सुरीन है। ये किसका है पीछे? नहीं जला, अगर कोई अवशेष नहीं बचता है कागज की तरह होता है। प्लास्टिक की तरह छुएगा कुछ? प्लास्टिक की तरह जल तो रहा है, प्लास्टिक का है सर। ये नॉन वोवेन इसको बोलते हैं, नॉन वोवेन बैग। अब ये प्लास्टिक के विकल्प के रूप में आया है, कंपनियाँ बना रही हैं। अब वो मैं देख रहा था कि इसका फैब्रिक मटेरियल आया था कि फैब्रिक है, ये मॉल वाल में भी चल रहा है, लेकिन इसको जलाने प्लास्टिक जैसा। हाँ, पॉलीथीन की कार्रवाई 3-4 दिन से लगातार चल रही है। शासनादेशों के अनुरूप इस मटेरियल को जगह जगह से सीज किया जा रहा है और शासनादेश के अनुसार ही उसके जुर्माने को वसूल किया जा रहा है।
आज लगभग 6-7 लोगों पर कार्रवाई हुई है और जगह जगह पॉलीथीन सीज करके उन पर जुर्माना लगाया गया है।